संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तब पेत्रुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश्य है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उससे उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा किया जाए। इस पर वह सेवक उनके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। तब वह सेवक बाहर निकला तो उसे अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उनके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए, मैं आपका चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डालवा दिया जब तक कि वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय करने पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रोध होकर उसे तब तक के लिए उसे जल्लादों में डलवा दिया जब तक कि वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में से एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज मैं एक राजा के बारे में एक कहानी बताना चाहता हूं। एक राजा दूसरे राजा के साथ विवाद हुआ था तो वह उस राजा के साथ लड़ाई करने के लिए, उस पर आक्रमण करने के लिए अपने अधिकारियों के साथ वह सहायता मांगता है और उनके सारी अधिकारी लोग उनको सहायता देने के लिए वे तैयार हो जाते हैं और वह राजा उन पर आक्रमण करता है और उसे विजय प्राप्त होती है और उन क्रांतिकारियों को राजा उनको बंदी बनाकर रखता है और वे उसे बंदी बनाकर उनको राजा के सामने बाद में पेश करते। जब राजा उनके सामने आता है और यही बोलता है कि मैं तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए, उनके पदाधिकारी यही कहते हैं कि आप तो उनको सजा देने वाले थे और आप उनको माफ कैसे कर दिए? राजा मुस्कुराता है और कहता है, मैं उन्हें माफ कर दिया, अब वे मेरा शत्रु नहीं, अब वे मेरा दुश्मन नहीं, वे मेरे भाई हैं और दूसरों को क्षमा करना ही मेरा एक विजय है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में भी हम इसी प्रकार हम देखते हैं, हम पाते हैं।
प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं क्षमा करने की कोई सीमा या तो कोई नंबर नहीं होना चाहिए। क्षमा जितना भी बार गलती करेंगे उसमें क्षमा कर देना चाहिए। आज के पवित्र सुसमाचार में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सभी लोगों को क्षमा करते हैं और हमें क्षमा करने के लिए हम सभी लोगों को वे सिखाते हैं, हम सभी लोगों को पढ़ाते हैं। आज के पवित्र सुसमाचार में संत पेत्रुस यीशु के पास जाते हैं और यही कहते हैं, गुरुवर यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितना बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उससे कहता है, नहीं 7 बार तक नहीं, लेकिन 70 गुना 7 बार तक उसे क्षमा करो। उसी के सिलसिले आज के पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु स्वर्ग राज की तुलना एक राजा के सदृश करता है। उस राजा अपने सेवकों को वह लेखा लेने के लिए वह बाहर से आता है। उसके सामने एक सेवक जो कि लाखों रुपया का कर्जदार था उसको सामने पेश करते हैं। उसके पास कुछ भी ऋण चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो राजा ने उसको यही कहता है, इसकी सारी जायदाद, इसकी सारी 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 चीज, इतना तक कि उसके पत्नी और बाल बच्चे सब कुछ को बेच डालो और कर्ज अदा कर दो। उस समय उस सेवक ने उस मालिक के सामने गिड़गिड़ाता है और उसके पैरों तले गिर जाता है और उससे अनुनय विनय करता है कि मुझे समय दीजिए और मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। और वह राजा उससे माफ करता है। और वह सेवक जब बाहर जाते हैं अपने साथ सेवक से मिलता है जो कि 100 दिनार के कर्जदार था, उसका गले पकड़ लेता है और उसको यही कहता है कि मेरा कर्ज चुका दो। और वह सह सेवक भी उसके सामने गिड़गिड़ाता है लेकिन वह क्षमा नहीं करता और उसको तब तक के लिए बंदी गृह में डाल देता है तब तक कि वह उसको कौड़ी कौड़ी ना चुकाए। तब उसकी खबर उसको स्वामी के पास पहुंचाते हैं। तब स्वामी ने उसको बुलाता है और यही कहता है कि हे दुष्ट स्वामी, दुष्ट सेवक, मैं तुम्हारे अनुनय विनय करने पर तुम्हारा सारा कर्ज मैंने माफ कर दिया था। क्या इस सेवक तुम्हारे पास अनुनय विनय करने पर क्या माफ नहीं करना चाहिए था? इसीलिए उस सेवक ने उसको जब तक के लिए जल्लादों में डाल देता है जब तक कि वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। आज हम सब इस समाज में रहते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्तगण जानबूझ के हमारी जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। जब नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें उनको क्षमा करने के लिए थोड़ा सा भी हमें आशा नहीं रहती है। हम उसको हमेशा उनको दंड देने के लिए हम उनको कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त आज के पवित्र सुसमाचार में हमको यही सिखाते हैं कि एक दूसरे को क्षमा करो, जितना बार गलती करे उतना बार उनको क्षमा करो, क्योंकि क्षमा करने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। हम सब बाइबल में भी पढ़ते हैं प्रिय भाइयों बहनों कि बाइबल हम सभी लोगों को सिखाते हैं, हम सभी लोगों को पढ़ाते हैं कि हमें क्षमा का महत्व हम सभी लोगों को सिखाते हैं कि हमें क्षमा करना चाहिए, एक दूसरों के साथ प्रेम करना चाहिए, एक दूसरों के साथ दोस्ती करना चाहिए और एक दूसरों के साथ प्रेम और बंधुत्व की जीवन हमें जीना चाहिए। हम सब प्रभु यीशु ख्रीस्त के जीवनचर्या को हम देखते हैं। जन्म से मृत्यु तक ईश्वर के जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके जीवन में हमेशा कठिनाइयां थी, लोग उनके विरुद्ध हमेशा बुनबुनाते थे, हमेशा उनको चिढ़ाते थे। और हम सब ये देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त को कांटों का मुकुट और वो उनको क्रूस पर उनको चढ़ाए गए। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त क्रूस पर चढ़ाए गए तो भी से वे उनसे यही कहते हैं, अपने पिता से कहते हैं
कि हे पिता, इन लोग नहीं जानते कि इन लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा दीजिए। और संत स्टेफनुस के जीवन को भी हम यही देखते हैं कि उनको पत्थरों से मार डाले, लेकिन वह संत स्टेफन में भी उन लोगों को क्षमा कर दिया। आज हम सब पवित्र सुसमाचार में यही देखते हैं ईसा मसीह के बारे में। ईसा मसीह बहुत दयालु थे, बहुत स्नेही थे, बहुत क्षमाशील थे। वे गिरे हुए लोगों को, वे बिछड़े हुए लोगों को, वे गरीब लोगों को, वे बीमार लोगों को वे उत्थान करने के लिए, वे यीशु ख्रीस्त से मिलाने के लिए, वे यीशु ख्रीस्त से प्रेम कराने के लिए इस दुनिया में आए, और सभी लोगों के उत्थान के लिए, सभी लोगों के अच्छे कार्य के लिए वे सब इस दुनिया में मर मिटे। आज हम सभी लोग ईश्वर के कृपा पात्री हैं, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, ईश्वर के स्नेही पुत्र पुत्रियां हैं। हमें भी प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुसरण करना है और उनके अनुसार हमें भी जीना है, और हम सब हमें भी एक दूसरों को क्षमा करने के लिए हमें कोशिश करना है। हम सब हे पिता हमारे की प्रार्थना हमने कई बार करते हैं, दिन में कई बार बोलते हैं, हमें अपराधियों हमें क्षमा कर जैसे हमें अपराधियों को क्षमा करते हैं। क्या हम इस वाक्य को गहराई से हम सुना होगा या तो पढ़ा होगा या तो हमें अपने इसके बारे में मनन चिंतन किए होंगे, लेकिन हम सब इन प्रार्थना को हम अच्छी तरह से दोहराते हैं, लेकिन हमें उस प्रार्थना के अनुसार हम सब जी नहीं सकते, क्योंकि हम यही तो बोलते हैं हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हम क्षमा कर दूसरों को हम क्षमा करते हैं। जब तक कि हम अपने पड़ोसियों को क्षमा नहीं करते हैं, हमें भी क्षमा मांगने का कोई भी अधिकार नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हमें ईश्वर का पुत्र पुत्रियां होना के नाते हमें एक दूसरों को क्षमा करना बहुत बहुत जरूरी है, तभी केवल हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन पाएंगे। हम सब समाज में जीते हैं, हम सब परिवार में जीते हैं, हम सब इस दुनिया में जीते हैं, कई प्रकार के लोगों के साथ हम सब जीते हैं, हम सब उनके साथ वार्तालाप करते हैं, और हमें भी कई प्रकार के लोगों के साथ दुश्मनी का सामना करना पड़ता है। और हमें आज जो कि क्षमा के बारे में हमें बताया जा रहा है, क्या हम सब अपने दुश्मनों को क्षमा करने के लिए हमारे पास ताकत है? हम सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रिय भाइयों बहनों, कि हम सब अपने अपने कार्यों द्वारा, अपने व्यवहारों द्वारा और अपने हृदय द्वारा दूसरों को हम सब क्षमा करें, दूसरों की गलतियों को माफ करें, और दूसरों को हम अपने जीवन में लाएं, और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनको सांत्वना और सबल प्रदान करें। जिस प्रकार ईसा मसीह ने इस दुनिया में आए लोगों के उत्थान के लिए, लोगों के अच्छे कार्य के लिए, लोगों को स्वर्गराज ले जाने के लिए इस दुनिया में आए और हम सभी लोगों को वे बचाए, उसी प्रकार प्रिय भाइयों बहनों हमें भी दूसरों के लिए मर मिटना है। जिस प्रकार ईश्वर ने दूसरे लोगों के लिए मर मिट गया, उसी प्रकार हम भी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, तो हमें भी दूसरों के लिए मर मिटना चाहिए। तो आइए हम सब इस वचन के अनुसार हम जीने के लिए हम हमेशा कोशिश करें, और ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के लिए हम हमेशा अपने आप को दावा करें। तो आइए हम सब आज जो कि क्षमा के बारे में हम सब आज बातचीत कर रहे हैं, हमें एक ख्रिस्तीय होने के नाते हमारे जीवन में हमेशा क्षमा की भावना, हमेशा हमारे जीवन में प्रेम की भावना, हमारे जीवन में हमेशा सहानुभूति की भावना से हमें जीने के लिए हमेशा कोशिश करें। ताइए हम सब बहुत बार हम सब एक दूसरों से गलती करते हैं, एक दूसरों के विरुद्ध में हम बात करते हैं, एक दूसरों को हम गाली देते हैं, उन्हीं हम पलों के लिए, उन्हीं क्षणों के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए हम आज पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि हम सभी लोगों में ईश्वर आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम भी एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन जीकर दूसरों के लिए सच्चा और आदर्श नमूना बन सके। इस वचन को सुनने वाले यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि
ईश्वर सबों के ऊपर आशीष दे, कृपा दे, धैर्य दे, बुद्धि दे, ताकि सभी लोग इस वचन को सुनकर दूसरों के लिए एक सहायक बन सके, दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सके, दूसरों के लिए एक नमूना बन सके। और जिस प्रकार यहाँ पर इस वचन उन लोग आप लोग सुन रहे हैं, इसी इस वचन को दूसरों तक भी फैलाएं, ताकि आपके इस वचन के अनुसार दूसरे लोग भी आपके उदाहरण के अनुसार जी सके और ईश्वर के समान एक क्षमाशील बन सके और एक दूसरों को क्षमा करने के लिए भी उन्हें शक्ति और धैर्य और प्रेम और शांति उन्हें हमेशा प्रदान करता रहे। आमीन।